वेलकम टू इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल। आज हम देखने वाले हैं एसक्यूएल में कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसेस बाय MySQL कमांड के थ्रू। तो बच्चों को काफी कंफ्यूजन है, सिंपल सी क्वेरी होती है जिसे लिखने में कोई ज्यादा खास मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बट इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज्यादा चीजें समझ में आती है प्रैक्टिकली करने और देखने से। तो आइए, सबसे पहले हमें एक टेबल क्रिएट करना है जिसके चार कॉलम्स है, फैब्रिक आईडी, एफ नेम, टाइप एंड डिस्क। वेर फैब्रिक आईडी में आपका अल्फा न्यूमेरिक टाइप ऑफ टेक्स्ट है, तो इसे इसके लिए हम जो डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे वो ये वर्कर टाइप का डेटा होगा। एफ नेम में अल्फाबेटिक टेक्स्ट है तो इसके लिए हम वर्कर ही लेंगे। टाइप में का जो डेटा टाइप होगा वो आपका वर्कर ही होगा क्योंकि यहाँ पे सारे टेक्स्ट आपके अल्फाबेटिक दिख रहे हैं। इसके बाद डिस्क में ये न्यूमेरिक डेटा है, इसके लिए हम इंट टाइप ऑफ डेटा डिक्लेयर करेंगे। तो आइए, ये आपने देख लिया है कि किस टाइप के कौन से फील्ड के लिए हम किस टाइप का डेटा नेम डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ न्यूमेरिक अगर डेटा हो तो इंट टाइप लेते हैं, अदरवाइज अल्फाबेटिक डेटा के लिए टेक्स्ट के लिए हम वर्कर या कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल क्रिएशन के लिए आपको एक डेटाबेस को कॉल करना होता है। तो अगर आपने कोई डेटाबेस क्रिएट, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, अगर इन केस आपने या नहीं किया है या नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसमें हर MySQL कमांड में हर एक के सिस्टम में एक बाय डिफॉल्ट डेटाबेस एग्जिस्ट करता है जिसका नाम होता है टेक्स्ट, और आप चाहे तो उस टेक्स्ट डेटाबेस को यूज करके कॉल करके आप अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज यही करूंगी, मैं टेक्स्ट डेटाबेस को यूज करूंगी और इसके अंदर एक मैं फैब्रिक टेबल बनाऊंगी। तो इसके लिए आपको सिंपल से लिखना है यूज टेस्ट, यानी कि डेटाबेस चेंज्ड, इट मींस कि हमने डेटाबेस को कॉल कर लिया है। अब क्रिएट करते हैं टेबल को। क्रिएट करने के लिए सिंपल सी क्वेरी है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे दीजिए, टेबल का नाम है फैब्रिक। इसके बाद आपको एक स्मॉल ब्रैकेट देना है, स्टार्टिंग ब्रैकेट, यहाँ पे जो भी आपका फील्ड है, फील्ड मेरा था फर्स्ट फील्ड था फैब्रिक आईडी और इसका जो डेटा टाइप था ये था वर्कर। इसके साइज को मैं डिफाइन कर देती हूँ 15, और इसे और मोर इनहांस करना चाहते हैं तो इसमें और प्रॉपर्टीज को ऐड करना चाहते हैं तो नॉट नल लगा दें। एक बात यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ जो मैंने लिखा है नॉट नल, ये आपके स्मॉल स्मॉल केसेस में है, स्मॉल लेटर्स में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्मॉल में लिख रहे हैं कैपिटल में लिख रहे हैं, या क्योंकि MySQL केस सेंसिटिव नहीं होता है, MySQL केस सेंसिटिव नहीं होता है, बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखें। इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में आ जाना है और यहाँ पे आप अपने सेकंड कॉलम को लिख लें, सेकंड कॉलम इज एफ नेम, इट इज आल्सो होल्डिंग द वर्कर टाइप ऑफ डेटा, और कैरेक्टर भी आप लिख सकते हो, वर्कर लिखें, वर्कर यहाँ पे साइज देना जरूरी होता है, मैंने 30 दे दिया। फिर आप कॉमा लगाएं, इसके बाद थर्ड कॉलम है आपका टाइप, टाइप भी ऑल्सो वर्कर टाइप ऑफ डेटा होल्ड करेगा। ये बहुत क्लियर मैं लिख रही हूँ और अलग अलग लाइंस में लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक ये कि दो बार आप इस चीज को नोट करके अपने रफ नोटबुक में लिखें और बार बार प्रैक्टिस करें, आपको बिल्कुल ही ग्रास्पिंग हो जाएगा, ये बहुत ईजी हो जाएगा, ये इजी वे में आप इसे समझ जाएंगे, एक दो बार बस बच्चे आपको ध्यान से करना है। इसके बाद फोर्थ कॉलम हमारा डिस्क है, यहाँ पे इसके बाद कोई कॉलम नहीं है तो यहाँ पे आपको कॉमा नहीं लगाना है, लास्ट कॉलम में आपको कॉमा नहीं लगाना होता है, एंटर करके नीचे की लाइन में आ जाइए, इस पैरेंथेसिस ओपनिंग का क्लोजिंग यहाँ पे होगा, उसके बाद आपको सेमी कॉलोन से एंड करना है और एंटर की को प्रेस करना है। इस तरीके से आपका एक टेबल क्रिएट हो गया है। अब इसमें हम वैल्यूज को डालते हैं, हमने टेबल के फील्ड को डिक्लेयर कर लिया, अब इसके अंदर हर फील्ड के अंदर हमें टेबल वैल्यूज को डालना है। तो इंसर्ट इनटू, मैं लिखूंगी फैब्रिक, नीचे की लाइन में आ जाए, जरूरी नहीं है कि आप नीचे की लाइन में लिखे पर मैं क्लियर लिख रही हूं ताकि आपको इजी हो जाए और आपके लिए आसान हो जाए याद करना। यहाँ पे हमारा फैब्रिक आईडी वर्कर टाइप का डेटा है तो मैं इसके लिए डबल, आप यहाँ पे डबल कोट लगाना जरूरी है, इसके बाद आप जो भी वैल्यू है इसकी वो लिख दें, F001 कॉमा सेकेंड। अब हम एफ नेम के लिए डेटा डालेंगे तो एफ नेम में भी डबल कोट होगा, इसमें आपका होगा सर्ट,
फिर कॉमा दे दें, आपका वुलन टाइप है, थर्ड कॉलम की वैल्यू है वुलन और इसके बाद है आपका 10, तो इसे आपको बंद कर देना। अब आपका सेकेंड रो इंसर्ट करना है आपको, आप वापस से आप सेम मेथड को फॉलो करें, डबल कोट एफ डबल जीरो टू कॉमा, सेकेंड वैल्यू है सूट, आप क्वेश्चन को अपने पास में रखें और इसके बाद फिर देखें। बेटे आपको जरा सा ध्यान देना होगा, बहुत सिंपल सा स्टेप है, बहुत इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है, आप देख रहे हैं ना कितनी इजी वे में और कितने सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ, बस जरा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है आपको। ये इसके बाद जो भी वैल्यू आपका गिवन है, ये टेबल आपके क्वेश्चन में गिवन है, आप वहां से इसकी वैल्यूज को नोट करें। ये आपके प्री बोर्ड क्वेश्चन में आया हुआ है, प्री बोर्ड टू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसे मैं सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए। ट्यूनिक एंड देन अगेन इज टाइप ऑफ कॉटन एंड वैल्यू 10, ये वैल्यूज आपको डालना है। इसके बाद जींस है, डेनिम एंड देन 5, एक रो आपका और है तो एक रो और डाल दूंगी मैं, एफ डबल जीरो 6 शॉर्ट्स कॉटन और फिर 7। अब इसके बाद आपकी कोई भी वैल्यूज कोई रो इसमें इंसर्ट नहीं दिया हुआ है, 5 रोज ही गिवन है, तो 5 रोज हमने लिख लिया है और इसके बाद आपको लास्ट है, ये लास्ट है, इसके बाद कोई वैल्यू एंटर नहीं करनी है, तो यहाँ हम सेमी कॉलोन देंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे। इस तरीके से आपने देखा होगा क्वेरी ओके 5 रोज अफेक्टेड, हमारा 5 रो का एक टेबल क्रिएट हो चुका है। आइए हम इस टेबल की वैल्यूज को टेबल को डिस्प्ले करते हैं, तो इसके लिए आपको लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम फैब्रिक और कोलोन, सेमी कोलोन देंगे आप एंटर की। इस तरीके से आपने देखा F00, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है 5 रोज के, इसमें 4 कॉलम्स दिख रहे होंगे आपको, फैब्रिक आईडी एफ नेम टाइप एंड डिस्क। अब क्वेश्चन है टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड हमें और एंटर करना है, तो इसके लिए आपको दोबारा से लिखना होगा यही क्वेरी, इंसर्ट इंटू वैल्यू, इंसर्ट इंटू फैब्रिक लिख दे पहले टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू फैब्रिक, उसके बाद जो भी वैल्यूज है, वैल्यूज यहाँ पे ई एस ध्यान से देखें, वैल्यूज है, वैल्यू नहीं है, वैल्यूज, जो भी आपका एफ गिवन है एफ डबल जीरो 5 कुर्ता एंड अगेन वुलन टाइप है एंड 5 आपको सेमी कॉलोन देना है। और इस तरीके से देखिए आपका एक ये ऐड हो गया, इसे भी आप देखने के लिए इसे अगेन हम देखने के लिए कैसे देख सकते हो आप, सेलेक्ट स्टार वाली क्वेरीज को ले लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये आप डाउन एंड अपवर्ड एरो को क्लिक करके रिसेंट कमांड जो आपने यूज किया है उसे आप देख सकते हैं, तो मैं रिसेंट कमांड को यूज कर रही हूँ। इस तरीके से आपने देखा होगा हमने एक नया रो इंसर्ट करा है, तो ये टेबल में दिखना चाहिए। ये देखिए आपका एफ डबल जीरो 5, ये कुर्ता वुलन टाइप 5 जिसकी वैल्यू थी, ये अब इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने एक टेबल जो था उसमें एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उसमें अलग से हमने एक रो इंसर्ट कर दिया है। अब सेकेंड ऑप्शन है बी, टू डिस्प्ले ओनली दोस फैब्रिक हुज डिस्क इज मोर देन 10, तो आपको यहाँ पे करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम दे दीजिए फैब्रिक, वेयर वेयर डिस्क डी आई एस सी डिस्क इज ग्रेटर देन 10,
और सेमीकोलन देना है, एंटर कर देना है. यहाँ पे दिखा दिया इसने कि F002 है सूट कॉटन जिसकी की डिस्क वैल्यू 20 थी, 10 से अबव एक मात्र एक सेकेंड रो है जिसकी वैल्यू डिस्क की 20 थी, इसने सिर्फ इसी रो को शो किया है. अब सी क्वेश्चन है आपका, टू डिस्प्ले दोस रिकॉर्ड हुज टाइप इज वुलेन. तो इसके लिए लिख सकते हैं, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक डब्ल्यू एच ई आर वेयर टाइप इज, आपको सिंपल सा लिखना है वुलेन. वेयर टाइप क्या है? वुलेन है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो थे F001 एंड कुर्ता. ये कुर्ता जो वुलेन टाइप का आपने इंसर्ट करा था बाद में, इसमें दो कॉलम्स फर्स्ट एंड लास्ट कॉल रोज जो थे आपके उस वुलेन टाइप में होल्ड कर रहा था डेटा, और ये इसने एक्सट्रैक्ट करके वहां से फेच करके आपको दिखा दिया है. अब डी क्वेश्चन है, टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10. इट मींस कि इंक्रीजिंग डिस्काउंट है, इट मींस कि हम सिंपल सा इसमें हम फॉर्मूला सी क्वेश्चन हो गया ना, टू डिस्प्ले ओनली दो ओके, टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10. तो मॉडिफाई करने के लिए चेंज करना है, इसके लिए हम अपडेट क्वेरी का यूज करेंगे. अपडेट फैब्रिक, इसका सिंटेक्स होता है अपडेट फैब्रिक. मैं नीचे की लाइन में लिखती हूँ ताकि आपको अपडेट के साथ हम सेट लगाते हैं, अदरवाइज आपका इनकम्प्लीट होगा और ये आपका क्वेरी गलत हो जाएगा. तो अपडेट फैब्रिक सेट डिस्क इज इक्वल टू डिस्क, जो आपका कंडीशन गिवन है डिस्क, ये 10% इंक्रीज करना है, तो सिंपल फॉर्मूला यही होता है डिस्क प्लस डिस्क इनटू 10/100. इसके बाद आपको क्या करना है, वेयर एफ नेम क्या पे, मैं एक चीज बताती हूँ आपको, एफ नेम इज इक्वल टू सर्ट SHIRT सर्ट. अब इसके बाद एंटर कर दें, ये देखिए आपका क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड. यहाँ आपने ध्यान दिया, एफ नेम मैंने स्मॉल में लिखा था जबकि मेरा कॉलम फील्ड मैंने कॉलम का जो फील्ड क्लियर किया था उसमें कैपिटल एफ लिखा हुआ है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता MySQL में कि आपने स्मॉल लिखा या कैपिटल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि MySQL केस सेंसिटिव नहीं होता है. अब यहाँ हमने देख लिया कि किस तरीके से अपडेट फैब्रिक भी मॉडिफाई हमने फैब्रिक शर्ट को कर दिया है. अब इसके बाद ई क्वेश्चन है, टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003 फ्रॉम टेबल. तो किसी रो को डिलीट करने के लिए कमांड होता है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम. मेरा यहाँ पर टेबल का नाम फैब्रिक है तो मैं फैब्रिक डालूंगी. यहाँ पे कंडीशन वेयर फैब्रिक आईडी गिवन है आपका. फैब्रिक आईडी क्या दिया हुआ है? फैब्रिक आईडी इज इक्वल टू F003. क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड. तो आइए हम इसे चेक करते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक. तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे डिलीट हो चुका है. अब वो हमारा एक कॉलम जिसे हमारा फैब्रिक आईडी 03 था, यहाँ टेबल में शो नहीं हो रहा है, वो डिलीट हो चुका है. इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम MySQL में कमांड के थ्रू अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, किसी रो को डिलीट कर सकते हैं, किसी कॉलम को, किसी रो वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं, और कैसे किसी उसके रिकॉर्ड्स को कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं. MySQL अगर आपके सिस्टम में नहीं है, इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. बच्चे इसे ध्यान से देखें, ये 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा. तो इसे ध्यान से देखिए, थोड़ी सी मेहनत से आपका ये पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.